नीमच जिला अस्पताल ने पूरे नीमच को शर्मसार किया है। नीमच जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर है तो जिला अस्पताल है। यहाँ पर कल एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। जबरन पेशेंट को रेफर किया गया और उसके बाहर ही अस्पताल के जस्ट बाहर निकलते डिलीवरी हो गई, सड़क पर डिलीवरी हुई। उसके बावजूद भी उसको सही से इलाज नहीं किया गया। जब मैं रात को इसके द्वारा यहाँ पर आया, मैंने अधिकारियों से बात भी करी, उसके बाद कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। आज पूरा जिला प्रशासन, SDM, ADM, सारे तहसीलदार और भी अन्य डिप्टी कलेक्टर यहाँ पर आए हैं और पूरे मामले की जाँच करी है। शुद्ध रूपेण सामने आया है कि चिकित्सा की लापरवाही है और यहाँ पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल हो रहा है। यहाँ पर अधिकारियों के सामने यहाँ के पीड़ित लोगों ने बयान भी दिए कि हमसे पैसे मांगे गए और अपने जो महिला मैडम है कोई योग लाड धाकर, उसके हस्बैंड ने हमसे घर बुला के पैसे लिए। ये पूरा खेल अस्पताल में बना हुआ है, इसकी हमारी लड़ाई है। और यह सारा का सारा जो खेल होता है जनप्रतिनिधियों की जानकारी में हो रहा है और वो भी इसके अंदर शामिल है। अगर मुझे बड़ी शर्म आती है जनप्रतिनिधियों के नाम पर, जो नीमच में विधायक लोग हो, जो भी नगर पालिका और जो भी सांसद है, ये कम से कम इतनी बड़ी घटनाक्रम अस्पताल में होते, कम से कम मानवीयता के नाते ठीक, कम से कम एक बार अस्पताल का दौरा कर ले आकर और यहाँ पे कुछ सुधार की व्यवस्था करा दे। लेकिन उनके नाम, उनकी भाषा पे कोई शर्म नहीं, वो बिल्कुल नहीं यहाँ पे आना चाहते और यहाँ पर अस्पताल में नर्क उन्होंने बना रखा है, यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या मांगे आप लोग? भाई हमारी मांग यही है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार जिला अस्पताल में गायनिक वार्ड में हो रहा है, बच्चेदानी के नाम पे 15,000-20,000 लिए जाते हैं। अभी एक पेशेंट ने बोला कि हमसे 7,000 मांगे, तो मैंने 3,000 ही मेरे जेब में थे, वो 3,000 मैंने दिए। कई लोगों ने हमको रात को बताया, लेकिन वो डरते हैं कि हमारा इलाज नहीं होगा। वो लोग बोलने को तैयार है, अगर जिला प्रशासन ढंग से काउंसलिंग करे तो बोलने को यहाँ पर तैयार है हमसे कितने कितने पैसे लिए। यहाँ पर अभी जो महिला चिकित्सक है वही सबसे बड़ी भ्रष्टाचार के कारक है। मेरा निवेदन है ऐसे डॉक्टर को हटा के नए और अच्छे डॉक्टर लाए जाए जो कम से कम मानवीयता समझ सके। और एक महत्वपूर्ण अपील नीमच की प्राइवेट चिकित्सकों से भी करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर एक सिंडिकेट के रूप में उन्होंने खेल चला रखा है कि यहाँ से मरीजों को रेफर करवाते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो मानवीयता बरतें और यहाँ के, या तो अगर वो सही में डॉक्टर है, डॉक्टर की शपथ ली है, तो इस बिगड़े हुए अस्पताल की व्यवस्था में सप्ताह में एक दिन यहाँ पर आके वो महिला चिकित्सक दे, ताकि यहाँ पर वो इलाज करवा, इलाज ढंग से इलाज हो सके। यहाँ पर प्रशासन आज भी लिपापोती में लगा हुआ है। अभी मैंने ADM मैडम ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन दूसरे अधिकारी आज भी पूरे मामले को दबाने में लगे हुए हैं। मेरा जिला कलेक्टर से आग्रह है और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग से आग्रह है कि यहाँ पर अस्पताल में आकर व्यवस्थाओं को देखें, किस प्रकार नर्क में लोग इलाज करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार में इलाज करवा।